गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यानी छोले कुलचे के, जो छोले होते हैं यानी उनको छोले तो बोलते हैं पर वो होते ये व्हाइट वाले मटर हैं। तो आज मैं वो चटपटे आपके लिए व्हाइट वाले मटर बनाने वाली हूँ यानी छोले बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पूरी रात भिगो के रखना है। तो ये मैंने पूरी रात भिगो के रख दी है। तो अब मैं इसको कुकर के अंदर डालूंगी और नमक डाल के इसको यानी 5 से 6 हमें सीटियां लगानी है, यानी इनको जब तक पकाना है जब तक कि मटर हमारे गल ना जाए। तो मैं इनको कुकर में डाल के इनको पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यानी हमारी ये मटर बनके यानी छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं। यानी ये इनको मैंने उबाल लिया है। अगर आपको उबालने में प्रॉब्लम होती है, अगर ये आपके गलते नहीं है, तो आप इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने एक तवा ले लिया है क्योंकि मैं इसको तवे पे बनाऊंगी, ये तवे पे बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच मक्खन ले लिया है, अब इसको अच्छे से मेल्ट होने दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, मक्खन को हम चारों तरफ इस तरीके से तवे पे कर लेंगे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा और गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, क्योंकि मैंने 1 प्याज ली है बारीक कटी हुई। और इसको अच्छे से हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे यानी भून लेंगे। हमें प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है यानी नॉर्मल ही करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो यानी एक गुलाबी कलर आ जाए। और गैस का फ्लेम ज्यादा हाई न रखें, नहीं तो प्याज जल जाएगी, मीडियम ही रखें। अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये हरी मिर्च। अगर आप खाते हैं तो डालें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी मैं सिर्फ 1 मिनट ही पकाऊंगी कि थोड़ी सी हमारी हरी मिर्च गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज है ना, देखिए आप देख सकते हैं कि गुलाबी हो चुके हैं यानी गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर भी मैंने एक मीडियम साइज का लिया था और इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे। अब टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे और नमक इसके अंदर डाल देंगे, यानी मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं छोले के अंदर नमक डाल चुकी थी। मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। यानी जो ये छोले बनते हैं यानी कुलचे के जो छोले बनते हैं उसके अंदर ये टमाटर और प्याज हम ज्यादा नहीं गलाते। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसके अंदर यानी छोले ऐड कर देती हूँ। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इनको उबाल के फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जब भी आपका मन करे तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से यानी हमारे मसाले इसके अंदर मिल चुके हैं और ये बनके बिल्कुल तैयार है। इनको ज्यादा नहीं पकाते। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसी के ऊपर मैं डालूंगी अब इसमें नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 नींबू का रस और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें और ये बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे छोले बनके रेडी है। मैंने इनको कुलचों के साथ सर्व किया है, यानी ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी ये अदरक रख दूंगी, यानी इनको इसको मैंने बिल्कुल बारीक यानी स्लाइस में काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरे छोले की यानी छोले कुलचे के साथ के छोलों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये आपको कैसे लगे और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें।